अरे खोकू आगे मत बढ़िए, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। आगे नहीं बढ़िया है। ओ जी जिंदाबाद, जिंदाबाद सर। सर इधर देखिए ना सर, सर ये बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही हैं, जो आपको अभी अभी मछली पकड़ते हुए दिख रहे हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष इन दिनों बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रचार में लगे हैं। तेजस्वी ठेठ गवई अंदाज में अपने पिता लालू यादव की तरह वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। तारापुर विधानसभा में 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। वहीं इस चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 3 दिन से लगातार तारापुर क्षेत्र में घूमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं सोमवार को तेजस्वी यादव टेटिया बंबर प्रखंड के गुना पंचायत में चुनाव प्रचार करने गए थे। लौटने के दौरान उन्होंने रास्ते में कुछ बच्चों को बंसी से मछली मारते देखा। वहीं बच्चों को मछली मारते देखकर तेजस्वी खुद को रोक नहीं पाए और बीच रास्ते में ही अपने काफिले को रोककर उन बच्चों के साथ बंसी ले मछली पकड़ने लगे। और तो और उनके बंसी में एक मछली फंस भी थी। आगे मत बढ़िए, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। आगे नहीं बढ़िया है। जिंदाबाद, जिंदाबाद सर। सर इधर देखिए सर, सर एक और दूसरा ट्राई सर, एक बार घूम जाइए सर। सर 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 एक बार इधर घूम जाइए सर। लोगों को तेजस्वी का ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है। तेजस्वी ने खुद भी सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट किया है और बिहार के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए लिखा, आज नीतीश कुमार जी के स्टाइल में छोटी मछली को पकड़ा है, पर नीतीश जी की तरह जानबूझकर नहीं, पर जब सरकार में आएंगे तो बड़ी मछलियों अर्थात पर्दे के पीछे के असली भ्रष्ट खिलाड़ियों को पकड़ेंगे। दिखाओ तो मछली, जिंदा है, चेहरा है। तेजस्वी ने मछली तो फंसा ली, पर क्या वोटरों को फंसा पाएंगे, ये तो आने वाले उपचुनाव के परिणाम के दिन यानी 2 नवंबर को ही पता चल पाएगा। मुंगेर से गोविंद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।